यूपी के बुलंदशहर में डक संचालक की गोली व चाकू मारकर हत्या कर दी गई और हत्यारे फरार हो गए। आशंका जताई जा रही है कि किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे बदमाशों ने डक संचालक के देख लेने पर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से एक तमंचा, खोखा, कारतूस आदि बरामद किया है और मामले की जांच में जुटी है। ये तस्वीर है बुलंदशहर के गुलाबठी कोतवाली क्षेत्र के गांव देवली में रहने वाले 60 साल के डिप्टी सिंह की, जिसका गोली व चाकू लगा शव हाईवे किनारे मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल डिप्टी सिंह देर रात को रोजाना की तरह अपने घर से हाईवे किनारे बने इस डक पर आए थे, मगर सुबह चाय पीने के लिए जब वह अपने घर नहीं पहुंचे तो परिजन परेशान हो गए। उन्होंने डिप्टी सिंह की तलाश शुरू की। डिप्टी सिंह का शव खेत में पड़ा मिला और डक के ताले टूटे थे। घटना ये रात को 9-10 बजे लेटने के लिए आ रहे हैं। अब आए होंगे, दो ताले टूट रहे हैं बाहर के, पीछे वाला वो टूट रहा हो रहा, उसके बाद यहाँ घाता पाई हुई है, गोली गोली लग रही है, हाथ में चक्कर की निशानी दी है। वहाँ मिले हैं उसमें खाई में साइकिल, वहाँ मिली है तो हम दो किलोमीटर आ गए, ना खत्म हो गई। क्या बोल पता कुछ ना, जब पता लगा देखा जाएगा किसी का शक ना, हमारे तो क्या काम ही ना, 5-6 साल हो गई सब नॉर्मल काम चलता रहे ऐसे ही, अब कोई इतना बड़ा काम भी ना आ जाए, क्योंकि रंजिशबाजी बनेगी। हम आज 30 जून को थाना गुलाबटी में एक सुबह सूचना मिली कि एक 60 साल के व्यक्ति की बॉडी गुलाबटी सिकंदराबाद रोड पर मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची, उस आदमी की शिनाख्त हुई है, डिप्टी सिंह है, जो गांव देवली थाना गुलाबटी का रहने वाला है। उसके एक सीने में एक गोली का निशान है और एक तमंचा पास में ही मिला है। बाकी पुलिस मौके पर है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा, इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे ही कुछ मिलेगा आपको सूचित किया जाएगा। का जताई जा रही है कि चोर वारदात को अंजाम देने आए होंगे और डिप्टी सिंह को देख लेने पर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से खोखा, कारतूस, एक तमंचा भी बरामद किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। हमारी खबर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।